नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक घोड़े एमला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दो वायर को शुद्ध चालक या 85 या 90% चालक बनाने के लिए किस तरह से वायर का जॉइंट लगाएं। तो मैं दो तरीकों से आपको अच्छे से वायर का जॉइंट लगाना बताऊंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेरे पास कुछ वायर के टुकड़े हैं, मैं इनसे ही आपको अच्छे से जॉइंट करना सिखाऊंगा। ये शुद्ध चालक आपको किस तरह बनाना होगा और शॉर्ट सर्किट होने पर जॉइंट आपका जले ना। तो लगभग इलेक्ट्रिशियन भाई अपने कुछ इस तरह का ही जॉइंट लगाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह का जॉइंट लगाते हैं, पर ये कुछ टाइम के लिए चालू रहता है, उसके बाद में शॉर्ट सर्किट होकर जल जाता है और इस तरह कर कर टेप लगा देते हैं और वायर ज़्यादा खींचने पर भी जॉइंट वो खुल जाता है। और आज आपको बताऊंगा अच्छे से जॉइंट किस तरह लगा दें और खींचने पर भी खुल लेना। पर ये जॉइंट आपको देखिए आसानी से खुल गया है और वायर खींचने पर ये खुल जाता है और बार बार रिपेयरिंग की समस्या बनी रहती है। तो मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा चालक बनाना हो तो किस तरह से अपने को जॉइंट लगाने होंगे। तो आप इसको दोनों साइड से लगभग 1.5 इंच तक वायर को छील लें कटर या प्लास की सहायता से। कटर है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लायर की सहायता से भी आप इसको अच्छी तरह छील सकते हैं। देखिए, मैंने दोनों सिरों को लगभग 1.5 इंच तक छील लिया है। आप अंदाजे से छीलें, इसके नाप की कोई ज़रूरत नहीं है। और लगभग इलेक्ट्रिशियन भाई इस तरह जॉइंट लगाकर जल्दी से काम निपटा देते हैं और प्लायर से टाइट कर कर चले जाते हैं और कुछ इस तरह से एक दूसरे में वायर डालकर इस तरह से जॉइंट कर देते हैं। वो भी एक अच्छा चालक नहीं है, वो भी खींचने पर खुल जाता है। तो मैं आज आपको उससे अच्छा और कम टाइम में जॉइंट लगाना सिखाऊंगा। तो अपने को कुछ दोनों इस तरह से वायर थोड़ी सी छोड़कर फोल्ड कर लेनी है और एक दूसरे में इस तरह डाल देनी है और सेम फिर उसी दूसरी वायर की वायर को इस तरफ लाना है और एक राउंड देना है वायर का और फिर उस तरह से एक साइड इस तरफ लपेट देनी है। तो मैं लपेट देता हूँ, लपेट दिए मैंने और सेम इसी तरह दूसरी साइड में भी लपेट देना है। और ये अच्छे से प्लास से टाइट कर दें, इसके बाद में ये कभी भी आपका जॉइंट खुलेगा नहीं और ये बहुत चालक भी बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए, मैं बहुत ज़ोर लगा कर खींच रहा हूँ, खुल नहीं रहा है। देखिए, इस तरह से आपको खींच कर बता दिया है, अभी तक ये जॉइंट हिला तक नहीं है। तो आपको प्लास से इसको टाइट भी कर देना है। मैंने इसको सीधा हाथ से ही टाइट कर किया है, आपको प्लास से टाइट कर और उस पर इस तरह से टेप लगा देनी है। आप अच्छे से इस तरह टेप लगा दें ताकि पानी गिरे तो ये शॉर्ट ना हो और लीकेज ना हो, क्योंकि जॉइंट लीकेज होने पर अपने को पता नहीं चलता है और लीकेज होने पर या तो वोल्टेज छोड़ देता है या कम कर देता है, लोड लगाने पर बंद हो जाता है। तो अपने को कुछ इस तरह से अच्छा और सुंदर जॉइंट करना है।